देश, क्या हाल है? एकदम बढ़िया पाजी, की हाल है? बढ़िया बढ़िया। क्यों किचन च बड़ा फिरता हेलो, अच्छा भी दोस्तों, तुहानू सारिया नू वेलकम जी आया। और असी अपने क्रिएटिव एक्सपीरियंस दी लड़ी दे तहत असी रोज गल्लां करदे आ, क्योंकि इन्ना दिनां च गल्लां ही कर सकदे आ, होर कुछ नहीं कर सकदे। पर एक गल्लां बहुत वधिया हो रहियां ने, और तुहाडे नाल अज गल्लां करदिआं होइआं मेरे ख्याल है कि असीं, मैं हुण तक 90 क कलाकारां दे नाल गल्लां कर चुका होवांगा जदों अज तुहाडे नाल गल्लां कर लांगा। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा कि मैनूं खुद नूं बहुत कुछ नवा एक्सपीरियंस हो रहा, कुछ नवा समझण लई, कुछ जानण लई। किसी राइटर दे, नाटककार, अदाकार, निर्देशक दे बारे च, म्यूजिक वाले दे बारे च कुछ नवा जानने लई, ओदी हिस्ट्री, ओदी जर्नी, ओदा संघर्ष, सुपने, सो उन्हां चीजां नूं जानने लई मिल रहा वा। ये बहुत मेरा ख्याल है कि चलो, जे सानूं कुदरत ने इदां दा मौका दिता ते असीं इस नूं इस तरह भी खूबसूरत तरीके नाल आपां इस्तेमाल कर सकदे हां। बेशक असीं कुछ उदां क्रिएटिवली कह लो कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे, पर असीं जो कुछ प्रैक्टिकली कीता होया वा उहदे बारे असीं गल तां कर सकदे हां ना। सो चक्रेश, कोई लैंग्वेज दी प्रॉब्लम तां नहीं है? हिंदी पंजाबी? हाँ, नहीं पाजी, बिल्कुल नहीं। और तुम चाहो हिंदी बोलो, पंजाबी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी, जो भी ठीक लगे, कोई भी, है ठीक ना। है, लैंग्वेज कोई बार नहीं है, जैसे थिएटर में कोई वो नहीं होता है ना। तो ये कंटिन्यूअसली हम लोग पिछले 2 महीने से लगभग कर रहे हैं। ये बीच बीच में कभी किसी एक दिन, 2 दिन में कभी गैप भी ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि हर रोज 1-1.5 घंटा मुझे बोलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं, सुननी भी पड़ती है, और अच्छा लग रहा है, मगर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। और कल क्योंकि मैं लवली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, जो थिएटर के लोग हैं, उनके साथ मैं बातें कर रहा था, तो वो मेरी बातें सुन रहे थे। और डे बिफोर यस्टरडे मेरे साथ कोई 5-6 जो यंग प्लेराइट्स हैं पंजाब के, मैं उनके साथ बातें कर रहा था, और बहुत अच्छे उनके एक्सपीरियंस सुनने को मिले, उनकी राइटिंग के बारे, उनको थिएटर को लेके। सो उसी तरह से आज हम लोग, मैं चाहता था कि जो यंग डायरेक्टर हैं, जो लोग अभी काम कर रहे हैं फील्ड में और नई तरह का काम कर रहे हैं, अलग तरह से अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे बैठे फेस्टिवल कर रहे हैं, तो उनसे बातें की जाए। तो वेलकम चक्रेश, आपने जितना खूबसूरत काम किया है, मैं हमेशा बहुत तारीफ करता हूँ कि चक्रेश अपनी तरह का एक ओरिजिनल काम करता है। वो चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, मगर पंजाब में अलग अलग जगह पे, पंजाब से बाहर भी बहुत जगह पे वो ट्रेवल करता है। इसी तरह से कीर्ति कृपाल, ये बठिंडा से हैं। कीर्ति कृपाल, तुहानू जी आया, तुसी बठिंडे रह के ही अपना नाट्यम ग्रुप दे नाल जिन्ना काम कीता, और कई नवे तुसी प्लेज, खास तौर ते डॉक्टर आतम जी तुरां दे भी, होर भी कई लेखकां दे तुसी बतौर निर्देशक नाटक कीते, और कई तुसी मेले लगातार बठिंडे दे विच शुरुआत जिहड़ी कीती मेलियां दी, वो अपने आप दे विच इक वड्डी प्राप्ति है उस शहर लई भी, थैंक यू। थिएटर ग्रुप लई भी, साडे पंजाबी थिएटर वास्ते भी। पवेल ने पिछले कुछ सालां तों नाटक दी निर्देशना दे विच इन्ने पैर पाया, और इन्ने अपने कोई वड्डियां 3-4 प्रोडक्शन जिहड़ियां कीतियां, यूथ फेस्टिवल तों इलावा आधे अधूरे, ते इक गार्गी दा प्ले इक होर कीता सी, धूणी दी अग ते इक होर प्ले पिछले दिन ही कीता। सो यह प्ले करदे हुए पवेल ने भी अपने कुछ इक चंगियां पेशकारियां जिहड़ियां साडे सामने आईयां। सो मैं तुहाडे काम दे बारे च, जो कुछ तुसी नवे सुपने लै के बतौर निर्देशक तुसी काम कर रहे हो, मैं उहनां बारे जानना चाहवांगा, मैं उहनां बारे सुनना चाहुंदा तुहाडे कोलों, कि तुसी किस तरीके नाल जिहड़ा अपने नवे काम नूं तुसी प्लान करदे हो, और अपने काम दे बारे च दसण दे नाल नाल
मैं चाहूंगा कि तुसी लिटिल बिट अपनी जर्नी जड़ी है कोई 5-6 मिनट से पहले अपनी जर्नी उस तो बाद अपने काम बारे के मैं के हाउ आई कंसीव दिस डायरेक्टोरियल वर्क फ्रॉम स्क्रिप्ट टू डायरेक्शन है ना तो इस तरह का जो काम है तुसी किवें उनु कंसीव करदे हो किवें डिजाइन करदे हो किवें बनाउंदे हो और ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਕਰੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਚੱਕਰੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਓਕੇ ਸਰ चलिए पहले आपको सुनते हैं। जी सर, मैंने सर अपनी थिएटर की शुरुआत 9th क्लास में की थी भोपाल में। तो उस वक्त मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो उस वक्त मेरी शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता और मैं रंगमंच के साथ 12th के बाद फिर मैंने रंगमंच में पूर्ण तरीके सक्रिय हुआ। कॉलेज टाइम पर मैं लगातार काम करता रहा, लेकिन इसी में आदर साहब की बॉडी पैरालाइज हुई और उनकी आंख के बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे सारी अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके पास जाना पड़ा और फिर वहां पर तकरीबन ड्रॉप आउट करके मैं रंग से एक की दूरी पर रहा। लेकिन वापस आया और दुगनी ताकत के साथ में फिर से लग गया। तो इस बीच में मैं कॉलेज में रंगमंच रहा था, लेकिन साथ साथ रानी बलकौर मैडम, उमेश कान जी और तमाम लोग यहाँ सीनियर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनके साथ थिएटर कर रहा था यहाँ पर। तो इस वक्त जिस वक्त मैं चाह रहा था कि मैं एज एन एक्टर और चीजें सीखूं, मुझे बारीकियों के बारे में पता लें, तो उस वक्त सब लोग सिर्फ प्ले को लेकर ही फोकस करते थे कि प्ले लेकर ही रिहर्सल्स होती थी, मीटिंग्स होती थी, डिस्कशन था, उसके बाहर एज एन एक्टर और क्या करना चाहिए तो उस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। तो बाद में मुझे पता चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, इंटर डिपार्टमेंट बारे में, लेकिन लिमिटेशंस की वजह से मुझे इसी शहर में रहना पड़ा क्योंकि मैं अपनी जीविका के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, तो ये मैं दिल्ली में जाकर नहीं कर सकता था और भी कई सारी ऑप्शंस थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर मैं खुल के एक्सप्लोर कर सकूं, जहां पे कोई एक लिमिटेशन ना हो एक्सप्लोरेशन की कि हाँ मैं प्ले बाउंड ही काम करना है, जो गिवन सीन है उसी को लेकर ही हमें लगातार 2 महीने तक डिस्कशन करना है या फिर एक्सप्लोर करना है, उसके अलावा नहीं। तो मैंने सर अपना ग्रुप बनाया था 2005 में अलंकार थिएटर के नाम से और 2012 में जरूरत पड़ने फिर इसे रजिस्टर भी करवाया। लेकिन इसी बीच में मुझे डायरेक्टर के तौर पे मैंने काम करना शुरू किया 2006 में और 2008 में मुझे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिला। कथा मंचन एक फेस्टिवल हुआ यहाँ पर चंडीगढ़ में, हाँ। जो कि अखबारों की रद्दी इकट्ठी करके उन्हें बेचकर और फिर उससे फेस्ट किया जा रहा, उसमें मुझे एक मौका मिला। तो हम लोग हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग है, एक के भी दो आदमी, तो उसे हम लोगों ने किया। जब डेढ़ पन्ने ही वो कहानी है, उसे हम लोगों ने घंटे के नाटक में तब्दील किया, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मुझे मिलते गए एज एन डायरेक्टर के तौर पे मुझे पर्सनली ये रहा कि शायद से कोई आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट, कोई कहानी या कुछ भी जो मुझे क्लिक करता है, तो उसे अगर वो मुझे परेशान कर रहा है कोई, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ और बारे में आगे बढ़ने का एक तरतीब, एक तरीका नाकर एक्सप्लोर करता एज एन डायरेक्टर। सो ये अभी तक की मेरी जर्नी है, जिसमें कि मुझे 2015 में उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार मिला मुझे और 2014 में हम लोगों ने एक प्ले किया पोस्टर दिल्ली में, जिसमें हमें नोकार जो थी वो हमें हम लोगों ने जीती थी, जिसमें रजत कपूर सर जजमेंट पे थे। और अभी तक हम लोग 9 फेस्टिवल चुके हैं पूरे हिंदुस्तान भर में अलंकार थिएटर की तरफ से। और 2018 में मैंने 144 घंटे लगातार सोलो परफॉर्म की थी 7 दिन। तो
ये अभी तक मेरा रब थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ काम रहा है। ये बहुत अच्छा तुम चक्रेश, मैं हमेशा तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि तुम्हारा डायरेक्टोरियल वर्क जो है वो बहुत ओरिजिनल है, तुम बड़ा अलग ढंग से काम करते हो। तो हम लोग और भी बातें करेंगे, तुमसे और डिटेल में सुनना चाहेंगे, तो अभी पहले हम कीर्ति से बात करते हैं। जी कीर्ति कृपाल, थोड़ी बिगिनिंग दी जर्नी तो फिर थोड़े काम दे बारे चापा अगे। जी शुक्रिया पाजी, सब तो पहला तो सारयां नूं नमस्कार, जिहड़े स्रोते देख रहे हैं सुन रहे हैं सारयां नूं नमस्कार, ते तुहाडा धन्नवाद कि तुसी इन्ना लम्मा प्रोग्राम 90 दिनां तों चला रहे हो ते अगां वी चलांदे रहोगे इस दी आस करदे हां। ते जदों तक मैं 90 साल दा नहीं हो जांदा उदों तक चलावांगा मैं 90 साल दा होवांगा उदों तक, ठीक है। नहीं असी तो सिर्फ आह इस प्रोग्राम की गल करते, तुसी तो युगा युगा तक कम करना है, असी दुआ करते रहो। ते जिथों तक मेरी जर्नी का सवाल है, मैं लगभग बी ए फस्ट ईयर दे विच नाटक शुरू किया एज ए एक्टर। पाली भुपिंदर सिंह जी मेरे उस्ताद जी ने, मेरे कजन ब्रदर भी ने, ताया जी के लड़के भी ने, मेरे गुरु जी भी उही ने। तो मैं मतलब कि सोच के नहीं आया कि मैं थिएटर करना है कोई, वैसे ही मतलब कि ये पाली भाजी डॉक्टर निर्मल जौड़ा तो मेरा ब्रदर हरी हरपाल इतने कॉलेज पढ़ते, बरजिंदरा कॉलेज फरीदकोट, तो साहित्यक सरगर्मियां करते रहते, ज्यादातर कविताओं रात रात बैठे करते रहते, मैं देखता रहा दसवीं तो देखता आया। तो बी ए फस्ट ईयर के इन्होंने एक नाटक करना, एक नाटक मेला ऑर्गेनाइज किया जैतो के 3 दिन का, तो वो असी एक क्लब बनाया हुआ, जो शहर के मुंडे है असं पढ़ते सी कॉलेज, तो एक छोटा जा क्लब बनाया सी, असी एवं शेख इमारती भी असी तुहाडा जो प्रोग्राम है स्पोंसर कर देंगे, असी आप पढ़ते सी जे साढ़े पंजी नहीं होंगी, पर असी शेख इमारती सानू आए से असी पैसे इकट्ठे करके इन्हों दे देंगे, पर बदकिस्मती साढ़े तो पंजी भी नहीं होएगी, तो असी जदों रह गए 5-4 दिन असी मौके पर जवाब देता इन्हों, तो ये बड़े परेशान भी, ये तो बेफिक्र से भी असी नाटक ही करना गला, तो जो 5-6 दिन तू पहले जवाब देता फिर मैंने कहते चल वो तो जोड़ा हो गया तू नाटक कर ला एज ए एक्टर, तो मैं तो कद किया ही नहीं गा, तो पर उन्होंने जबरदस्ती कहते तू करके दे, मैं वह फिर नाटक किया, तो जो वह नाटक मेले नाटक होया मैं आप बड़ा बहुत चंगा लगे, तो मैं लगे मैं तो बहुत वधिया काम है तो मैं करना चाहिए। सो इस तरीके मैं मतलब कि कुछ सोच के मिथ के नहीं अपने आप मतलब कि आया गया, तो उस तो बाद मैं तो छड़िया नहीं गया, इस तो बाद मैं लगातार पाली भाजी के नाल नाटक करता रहा 1990-91 तक लगातार किते, 1988 तो लैके 3-4 साल लगातार मैं इन्होंने नाल काम किया। उस तो बाद पढ़ाई के सिलसिले में पाली भाजी भी बाहर चले गए जैतो तो, मैं भी इधर उधर चला गया पढ़ाई के सिलसिले में रुजगार के चक्कर में, फिर 6-7 साल मैं कोई थिएटर नहीं किया गा, तो उन्होंने समय के उदो मुड़ के पाली भाजी ने जैतो छड़ता सीगा मोगे, वह सैटल हो गए सीगे, तो मैं भी पहला चंडीगढ़ उत्थे पंचकूले एज ए टीचर की जॉब की उत्थे, पर मैं कम नहीं किया थिएटर का कोई भी क्योंकि मेरे कोई बंदा नहीं सीगा, तो ना ही मैं घूमण घेरिया मैं इन्ना फसया हुआ सी याद भी नहीं रह गया। बट 1996 दसंबर के मैं मैंने सरकारी जॉब मिल गई एज ए टीचर जैतो के नेड़े, मैं वापस चंडीगढ़ तो जैतो आ गया। उत्थे फिर असी मैं जगदेव ढिल्लों ते एक दो मेरे होर दोस्त जिहड़े पुराने मेरे सीनियर सी, जगदेव ढिल्लों मेरा सीनियर सीगा, एक होर लड़का सी जसपाल अशफाक ये भी मेरा सीनियर से बहुत वधिया एक्टर सी, तो असी रोज शाम नूं मतलब कि 1997-96 दे लास्ट दिन मैं असी ज्वाइन किया, 97 दे विच असी लगातार शाम नूं मिलदे बैठदे उठदे गल्लां बातां ये कर छड़दे, ते थिएटर दी गल हुंदी पर सानूं पता ही नहीं सी असी करना की है कौन करावे सानूं। ते फिर एक दिन इन्हां ने जसपाल ने मैनूं कहा वी तूं एज ए डायरैक्टर कर ते असी एज ए एक्टर काम करदे, तो मेरी जिम्मेवारी लगदी मैं मैनूं तां आउंदा ही नहीं, मैनूं पता ही नहीं मैं किवें करना हैगा, बट उह असी मतलब पहला प्लेस सी मिट्टी दा बावा पाली भाई दा नाटक सीगा, उह असी फिर तैयार कीता 1997 दीआं छुट्टियां सीगीआं जून दीआं, ते एक 1.5 महीना ला के असी उह नाटक कीता, ते बहुत वधिया नाटक होया, 2 दिन लगातार कीता जद तो अच्छा रिस्पोंस रहा, फिर होर सानूं उत्साह मिलिया,
सितंबर 97 दे विच बाबा फरीद मेला शुरू होगा फरीदकोट ते उत्थे 1997 दे विच 10,000 रुपए की रकम एक बहुत वड्डी रकम हुंदी सी ते उन्होंने फस्ट इनाम रखा सीगा 10,000 का ते मैं फिर वह भरते फॉर्म भरते एंट्री भरती तो लगभग 23-24 नाटक आए 4 दिन चले 4 रातां ते उहदे विच असीं फस्ट आ गए सानू होर उत्साह मिल गया उसनू कहीं प्ले सीगा उस तो अगले साल तुसीं भी एज ए जज उत्थे आए सीगे बाबा फरीद मेले ते असीं उत्थे रब्बा रब्बा मी वसा बच्चों का नाटक किया जिसकी तुसीं बहुत प्रशंसा की अमोलक भाजी को खास तौर पर कहा भी यह नाटक गदरी बाबे के मेले से कराओ फिर असीं उत्थे करके भी आए ये भी कहानी बड़ी अजीब है तुसीं साडी सिफारिश लाती भी नाटक कराओ तो मेरे घर के मेरे मतलब कि हक च ही नहीं सी मैं नाटक करा मैं चोरी चोरी नाटक करता सीगा ते बड़े औखे होके नाटक कर जो उन्होंने दिनों में ही हुंदा सीगा कि जो असीं नाटक करन जा यार दोस्तों के घर मैरिज हुंदी सी भैन भरा की तो हफ्ता 10 दिन सानू छुट्टी मिल जाती सी कोई नहीं उन्होंने घर कम कराया इस तरीके असीं नाटक की रिहर्सल है जी चोरी छुपे बहाने ला के भी फलाने के ब्रदर का ही मैरिज है उसे कम कराना है तो जा कि होर कोई बहाने मार के लुक छिप के नाटक मैं पाली भाजी करता जा ईवन दैन मैं पढ़ता बठिंडे सीगा एम ए बठिंडे करता सी ते रिहायश असीं कोटपुरे कर ली पाली भाजी सो मतलब कि जितों तो मैं 30 किलोमीटर बठिंडा सी मैं कोटपुरे तो 50 किलोमीटर पढ़ना आता सीगा सिर्फ नाटक करके सो ये उन्हां चक्कर च मैं नाटक करता रहा बट मेरा भरा ने छड़ता सी नाटक क्योंकि घर के हालात इहो जिहे सीगे कि दोनों असीं अफोर्ड नहीं कर सकते असीं थिएटर करिए कोई थिएटर च मिलता कुछ नहीं सीगा शौक सीगा फिर उन्हें कहा भी तू करता रह मैं आपका होर कोई ना कोई काम करूँ तो आदा सैटल हो गया होर पासे मैं काम करता रहा हौली हौली यह शौक है जिहड़ा जनून बन गया तो हुण पोजिशन यह है कि मैं चाहुंदा होया इहनूं छड्ड नहीं सकदा गा तो हुण तुसीं आ देख लो लॉकडाउन दे विच आपां सारे ही बंदे बैठे हैगे आ पर सारे बड़े औखे बैठे आ मैनूं पता हैगा मैं भी औखा हैगा तुसीं भी तुसीं तां बहुत ज्यादा थिएटर करदे हो आपदे आप बहुत औखा मैं ते बहुत इसलिए मैं ज्यादा औखा बहुत ज्यादा असि आप कुछ हो नहीं रहा सिर्फ गलत जरूरी है पर गलत भी लिमिट जी होंगी सू लगता गलत ही करी जाने तो कम नहीं हो रहा है हालांकि इंटरली तौर पर कर रहे हैं घरे बैठ के वर्क कर रहे हैं इस तरीके मेरी जर्नी शुरू हुई थी एज ए डायरेक्टर मैं 1997 तो करना शुरू किया बहुत अच्छा की पवेल माइक चल पाया कि नहीं आ रही आवाज भाजी हाँ हाँ आई आई आवाज ठीक इतने की रखी माइक अपना सैट ते हाँ हुण असीं पवेल कोलों गल्लां सुणदे हां पवेल दी बिगनिंग ते फिर इस दे क्योंकि बतौर अदाकार कोई शक नहीं कि इसने मेरे नाल जदों जर्नी शुरू कीती बहुत इन्ने अदाकार दे तौर ते काम कीता पर पिछले समय च आके इसने निर्देशना दे विच भी काम करना शुरू कीता यूथ फेस्टिवल ते फिर मुड़ के अपने ग्रुप दे तौर ते रंगमंच नूं छड्ड नहीं सके लगातार बनी थिएटर च मजा आउण लगा शुरू शुरू च लगा के हुण जो थोड़ा सोचन लग पे एक जो जवानी का कह लो के जोश हों के थिएटर किया ज्वाइन सोचा कि चलो फिल्मा करांगे बॉम्बे जावांगे अरे जवानी वाले सुपने होंगे ने सारे हम भी नवे मुंडे जिन्हें आते हैं यही सोच के आते हैं बकायदा पर जिमें जिमें रंगमंच करते गए तो फिर जी रंगमंच की महत्ता समझ आने लगी तो मैं लगा कि इस तो वड्डी तो कोई चीज़ नहीं है ना कि जो रंगमंच सानू दे सकता कोई होर चीज़ फिल्मा या टीवी उस लैवल से सानू नहीं दे सकती मतलब सोच विकसित होंगी गई फिर सिंह सूरमे तो बाद विदेशों तो लगातार था फिर सफर शुरू होया मेरा विदेशों से फिर एक छोटे छोटे जिमें करोडी रोल्स मिलते थे ਇੱਦਾਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ 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 ਹਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜੋ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਨੀ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰਟਨ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਭਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੀ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਿਫਟ ਫੜਾ ਤੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਕਦਮ ਸ਼ੋਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਣ ਸਵੇਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾ ਖੈਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਹਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਾ ਕੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਪਾਲੀ ਸੀ ਲਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਰਾ ਕੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੈਟ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਢੋਸਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ PVK DAV ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਕੂ ਸੀਗਾ ਗੱਡੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਟੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ 2008 ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਨਾਟਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰਹੀ ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ਾਇਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਟੋ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ 2014 ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜੀ ਜਰਨੀ ਆ ਐਜ ਐਨ ਐਕਟਰ ਦੀ ਐਜ ਐਨ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਜਰਾਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀ NSD ਦੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਐਜ ਐਨ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਐਚ ਐਮ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਗਰ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਲੂਰ ਸਕੂਲੇ, ਆਪਣੇ ਰਮਾ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਆਇਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਲਜ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਲੀ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਪਲੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ GNDU ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ DAV ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਬਲ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੋਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਾਊਡ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਕ ਝਿਆੜੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੀਕ ਝਿਆੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਲੇ ਕਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਪਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਰੰਗਮੰਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਲੇ, ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਲੂਣ ਦੀ ਗੁੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਸਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲੂਣ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੰਧਿਆ ਛਾਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵੰਤ ਦਲਵੀ ਹੋਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਅਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਓਪਨ ਏਅਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਧਰਲਾ
एक ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की थी उधर ले भी तो होया भी हूं तक हूँ जी जिन्ना फेस्टिवल उधर हों तो काफ़ी शोर शराबे तो रहत हों फिर उन्होंने दिनों मेरे हाथ से स्क्रिप्ट आई थी 2014 च अद्धे अधूरे की मतलब कि आधे अधूरे की पहला हिंदी अधूरे की साल मेहनत की उन्होंने 3 साल मैं पढ़ता रहा हिम्मत नहीं की उन्होंने मैं करा तो फिर फेस्टिवल आ गया उदो मेरे कोई होर स्क्रिप्ट नहीं सी तो मैं सोचा कि क्यों ना इन्हों ही किया जाए पर बड़ा वड्डा को चैलेंज सीगा कि कितने 2-2.5 घंटे की स्क्रिप्ट तो कितने इन्हों तुम 28 मिनट खत्म करना पर मैं लै लिया पंगा लै लिया उन्होंने मैं एडिट किया चलो बहुत ही खूबसूरत एडिट हुई बच्चे सारे मेरे को नवे सके मेरी ये सी कि फिरोजपुर जोन जो एक बैकवर्ड इलाका आता सारा उन्हें बेचारे बच्चों पता नहीं है थिएटर ना उन्हें कभी किया तो उन्होंने काम करके जो वक्रा तजर्बा मिले कि बच्चों को तैयार किदा करना वो बच्चों की तैयारी नहीं सी होंगी वो शायद साड़ी अपनी तैयारी होंगी सी कि तुम एक 8-8 किरदारों को तुम खुद करके दस दो तो एक अपनी तैयारी होंगी सी बाद जो मध्य धुरे करता पाया दिन मेरे मेरे जहन चीज आई कि वो नाटक मैं अपनी जिंदगी के बहुत करीब लगा सी मैं लगा कि अपना जहाँ नाटक है हालांकि वो बखरा विषय आ चलो असं मनीए ज ना मनीए इदा के रिश्ते होंगे ने बड़ा कुछ हों जिंदगी घटता पर असं कभी कभी उस चीज़ में मनने तैयार नहीं होंगे मैं ये लगा कि यूथ फेस्टिवल का जिन्ना काम मैं किया वा वो सिर्फ कॉलेजों तक सीमित है तो मैं चाहता सी कि मैं एक प्रोफेसनल या कमर्शियल थिएटर के पैर तरह फिर मेरे जहन च आया कि क्यों ना मैं इनू अगे दूरे पंजाबी ट्रांसलेट करा वो भी एक चुनौती थी पर वो थोड़ा जी सरल इस करके हो गई कि जी अद्धे अधूरे की जी स्क्रिप्ट हिंदी च लिखी गई है ना वो इन्नी सरल है कि उन्होंने समझना कोई बहुत औखा नहीं है उन्होंने मैं फिर पंजाबी से ट्रांसलेट किया तो उन्होंने सोचा कि अपने ग्रुप न शुरू करते हैं हालांकि इस तो पहला मैं 2007 अपना ग्रुप शुरू कर चुका सीगा पहला प्लेस सीगा मेरा पाली भुपिंदर होना का चौबी एडी बस वो जो मैं 2007 के 27 मार्च में नाटशाला पहला प्लेस वो भी एक तरीके का सोलो या ड्यूट प्ले सी दो किरदार से वे पहली शुरुआत मेरी वो है प्रोफेसनल कह लो डायरेक्टर के तौर पर मेरी वो सी पर मैंने लगता है कि यूथ फेस्टिवल का काम सिर्फ कॉलेज तक सीमित है तो मैं हजे अपने पैर बढ़ावा कुछ अगर मेरे से करने की इच्छा हैगी है तो कुछ मैं वक्रा जहा करके दिखा तो मेरे लिए अद्धे अधूरे एक चैलेंज सी उन्हें पंजाबी किया तो शुरुआत रिहर्सल शुरू की कोई मैं पवेल ये बड़ी डिटेल जी है ना हैलो पवेल हैलो पवेल मैं ये बड़ी डिटेल तुहाडे कोलों अगे सुनदा जाके पी ये नाटकां नूं तुसीं किस तरह जिहड़ा कंसीव कीता ठीक है ये मैं बिगनिंग विच तुहाडे चाहुंदा सी थोड़ी ते मैं अपने हुण थोड़े जे सवाल क्योंकि आप भी है मैं ते होर भी बहुत सारे लोग है जिन्हां ने पुछना भी है गल भी करनी मेरा एक कॉमन जिहा सवाल है चक्रेश ये कॉमन सवाल है तुम तीनों लोगों से ही है मेरा ये यंग लोगों से जो भी यंग थिएटर में आते हैं डायरेक्टोरियल वर्क के लिए डायरेक्शन के लिए तो चक्रेश ये मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो डायरेक्शन है क्योंकि मैं जानता हूं मैंने देखा है मगर क्योंकि इस चीज को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जिन्होंने आपका काम नहीं भी देखा है वो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो काम ऑलरेडी डायरेक्शन में हो रहा था पंजाब में चंडीगढ़ में आपका काम उस काम से डिफरेंट कैसे है आपका डायरेक्टोरियल वर्क आप कैसे चीजों को कंसीव करते हैं क्योंकि ये मैं जानता हूं अलग है मगर कैसे अलग है आप कैसे उसको कंसीव करते हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें पाजी अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी फेसबुक पे भी और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे रतन थियम सर की कि फिल्मों में लोग चांद देखते हैं और उस चांद को उसका आकार उसकी रोशनी तमाम सब जो को फ्रेम हर चीज होती है लेकिन जब स्टेज पर जब एक्टर वो है वो देखो चांद और सभी लोग देखने लग जाते हैं लेकिन वहां कोई चांद नहीं होता तो सभी लोग अपनी इमेजिनेशन का चांद इमेजिन करते हैं तो मेरे दिमाग में बस ये था कि शुरुआत जब मैं डायरेक्ट में एंटर किया कि
जो मैंने अपने जन्म में देखा हुआ है, क्योंकि एक आर्मी के बैकग्राउंड हूँ, मेरे फादर साहब आर्मी में रहे हैं और मैं पूरी लाइफ टाइम में ट्रेवल करता रहा हूँ, और चंडीगढ़ मुझे 18 साल हो गए हैं यहाँ पर, उससे पहले लगातार मैं कभी टिका नहीं एक जगह पे। तो बी एन बैकग्राउंड ऑफ आर्मी पर्सन, तो इतना ट्रेवल करता रहा कि मेरे पास विजुअल्स काफी ज्यादा थे। तो पहली बार मैं प्ले डायरेक्ट किया तो उस विजुअल को कैसे इंप्लीमेंट करना था वो नहीं समझ में आता। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने विजुअल ट्राई आउट, तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्लियर रहा, और वो सीन वगैरह चल रहा था हमारे कॉलेज में, और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि स्टेज पर ये फिल्म वाला मसला नहीं है, स्टेज की लाइफ कुछ अलग है, वो जीवन अलग है। तो धीरे धीरे की इसमें हम लोगों ने ड्रामा में आगे पढ़ाई भी की इंडियन थिएटर, और तम एक्सप्लोरेशन के लिए फोक फॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस हुए, ट्रेडिशंस के साथ, और ट्रैवल भी ज्यादा किया। तो एक समझ में आई, जो काम हो रहा है, जो चल रहा है अभी पंजाब में और आसपास नॉर्थ इंडिया में, उस काम से हट के आप क्या चीज कर रहे हैं, क्या नया विचार लेकर आ रहे हैं, क्या नई थॉट लेकर आ रहे हैं। जैसे फिर मैं एक नाटक का उदाहरण, हम लोगों ने किया था कॉलेज टाइम पर तामझाम। तो तामझाम था वो कि यूथ फेस्टिवल्स में किस तरीके से, जैसे पवेल भाई अभी शेयर कर रहे थे कि एक रेगुलर ट्रेंड इस तरीके से चीखना चिल्ला तमाम सब चीजें चल रही, तो हम भी परेशान थे कि ये बहुत अवेयरनेस चलती है और ये बहुत पेनफुल है कि एक्टर खराब हो जाता है, वो एक तरीके का पेटेंट हो जाता है, लाउड बातें करने लग जाता है। तो ताम था कि तमाम फेस्टिवल्स में जो एसेसरीज हम लोग यूज करते हैं, बम्प देना और उसके बाद गिमिक्स को यूज करना और लाइटिंग इफेक्ट को यूज करना, उसके बगैर बिना उन गिमिक्स के कैसे आप स्टेज एक्टर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सो दैट कि अगर एक्ट स्ट्रांग हो तो आपकी स्टोरी भी स्ट्रांग तरीके से निकल के आएगी, और शायद से वो बड़ी सूक्ष्मता के साथ लोगों के अंदर मन घर आएगी। तो उस चीज को फोकस करते हुए कॉन्सेप्ट था कि अखबार की खबरों से अलग अलग शब्द जो है वो इंसानी रूप में निकले हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है आसपास उसे लोगों के सामने लेके आया जाए। तो शब्द ही इंसानी रूप में आते हैं। तो हमने पूरी स्टेज को अखबारों से फ्रेम से भर दिया, और उन्हीं के बीच में से सीढ़ियां आती हैं, रैंप आता है, तो चारों तरफ स्टेज पे अखबारों का सेट था, उसी में से शब्द थे काले, तो सब एक्टर्स की कॉस्ट जो थी उस तरीके रखी गई, और तम जो क्योंकि आइडिया से हम लोगों ने इसको कंसीव किया था, आइडिया से हम लोगों ने स्टोरी प्लॉट बनाया, स्टोरी के बाद फिर डिस्कशंस हुए, डिस्कशंस के बाद फिर इम्प्रोवाइजेशंस और तमाम सब चीजें। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिला इस प्ले के बाद कि अगर, क्योंकि ये प्ले काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ था, तो इस प्ले के बाद थोड़ा सा एक हिम्मत आई कि हाँ, कुछ अलग करने के लिए जरूरी है कि रेगुलर सेट पे जो चीजें चल रही हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए। टू ब्रेक नीड टू थिंक समथिंग डिफरेंट, कि भी जो सोसाइटी में चल रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं, आप कितने गंभीर हैं या फिर कितने आपका माइक बंद हो गया चक्रेश। माइक ऑन करें, अभी ठीक है। हेलो हाँ ठीक जी सर, वो बीच में कॉल आने लगी। आप कितने सेंसिटाइज होते हैं किसी भी इंसान को देखकर किसी दयनीय हालत में, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने कई सारे लोगों से मदद के, जब भी बंसी सर मिलते थे या फिर नीलम मैम मिली, या फिर क्योंकि नीलम मैम मेरी टीचर भी हैं, तो मैं बहुत एज एन स्टूडेंट मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाके मैं उनसे पूछता भी रहा हूँ चीजें, बातचीत भी करता रहा हूँ। इसके अलावा चनी जी रहे, उमेश कांत जी रहे, और तमाम बहुत सारे टीचर्स रहे जिनसे मैं फ्रीक्वेंटली मिलता रहा, बातचीत करता रहा। इसी बीच में एज एन डायरेक्टर जब मैंने दूसरों का काम देखा,
क्योंकि मैं बहुत इनिशियल स्टेज में था, मैं कॉलेज के प्लेज डायरेक्ट कर रहा था उस वक्त। तो जब मैंने इतने थेस्पियंस का प्ले देखा, रतन सर का देखा मैंने, आपका प्ले देखे मैंने, और मैं एकदम मेस्मराइज हो जाता था कि ये क्या, ये कौन सी दुनिया इन्होंने क्रिएट कर दी, इतना सब कुछ, वो भी 1.5-2 घंटे में, और सूक्ष्मता के साथ उन, यानी कि जीवन की कितनी सारी परतें खोल के रख दी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक के पास अपने जीवन के अनुभव होते हैं और हर अपने को अडेप्ट करता है कराते, लेकिन कितने आप यही जिंदगी के प्रति संदिग्ध हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप बात को रखेंगे कैसे। एज एन डायरेक्टर अभी जो मैं करता हूँ उसमें वो अलग अलग तरीके का प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग कोई भी अगर कॉन्सेप्ट या आइडिया या कहानी पसंद आती है तो हम उसे साल में एक बार हम उत्तराखंड में जाते हैं, वहाँ पे एक वर्कशॉप करते हैं। उस एक महीने की वर्कशॉप में हम लोग एक्टर्स को, क्योंकि 24 घंटे वहाँ पे काम चलता है, 24 घंटे मतलब सर कि 1 घंटा नींद हो गई या 2 घंटे नींद हो गई, इस तरीके से वहाँ पे छाऊ की भी क्लास होगी, वहाँ पे कलरी की भी क्लास होगी, वहाँ एक्टिंग टीचर भी होंगे वहाँ पे, और प्ले भी तैयार होगा। लेकिन वहाँ पे फोकस होता है कि एक्टर ग्रो करे, लेकिन प्ले मेकिंग साथ के साथ चलते रहेगी। तो एक इसे हम वर्कआउट करते हैं, हम लोग राइटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, डिजाइनर्स के कोलैबोरेट करते हैं, रिसेंटली नए जो एनी पास आउट्स हैं उनको प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, या फिर एफटीए से जो पास आउट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, सो दैट कि हमें भी कुछ चीजें सीखने को मिले और उन्हें भी बेहतर प्लेटफॉर्म एक्सप्लोरेशन के लिए। सो एक कोलैबोरेशन मुझे लगता है कि एक बेहतर मीडियम है जिससे कि आप सेल्फ ग्रो करें, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। सो एज डायरेक्टर मेरा काम एज एन डायरेक्टर है कि एज एन जो एक्टर बस काम कर रहा है कि इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, वो स्टेग्नेंट है, तो मुझे लगता है कि एज एन डायरेक्टर काम उतना सार्थक नहीं है, क्योंकि एक्टर ग्रो करना चाहिए और साथ के साथ मेरा प्ले जो ऑडियंस है मेरी उसको उस सब्जेक्ट के प्रति बड़ी सूक्ष्मता के साथ उसे उस तक बात पहुंच जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑडियंस को हिलाऊं, मैं तकलीफ करूं, नहीं, उन्हें बस वो अगर बैठे हैं, जैसे मुझे एक अभी भी याद है कि हमने एक प्ले किया था रोडेन, सर आपके फेस्टिवल में ही, खत्म होने के बाद ऑडियंस बैठी रही एंड वो मेरे लिए बड़ा ही अलग अनुभव था। या फिर पंजाब नाटशाला में जब लोगों ने पोस्टर किया था, टैगोर थिएटर में जब हम लोगों ने पहला पोस्टर किया, तो उस वक्त ये पोस्टर का और रोडेंट का अनुभव एकदम अलग है। पोस्टर में नाटक खत्म होते ही लोग खड़े हो जाते हैं और स्टैंडिंग ओवेशन चलती है अगले 10 मिनट तक, लेकिन वहीं पे रोडेंट जब प्ले खत्म है तो लोग थम जाते हैं, रुकते हैं नाटक खत्म होने के बाद। तो मुझे लगता है कि एज एन डायरेक्टर गिमिक्स हर एक के पास आते हैं, अनुभव के साथ आपको ये पता चल जाए कि भी डायलॉग को कहाँ रीड करवाना है, मूवमेंट कहाँ तरीके से करवानी है, कैसे इसको डिजाइन करना है, सब चीजें ठीक है, लेकिन जीवन को मंच पर लाते हुए मंच पे जीवन और ज्यादा कैसे सूक्ष्मता के साथ रखा जा सकता है, उस विषय पे मैं ज्यादा ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बातें कही आपने। मैं और इसमें थोड़ा डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ, मगर पहले मैं जरा कीर्ति से इसके प्रोसेस के बारे में, कीर्ति थोड़ा अपना जरा नाटका नू लेके तुसी किदा नाटक चुनदे हो ते किस तरह अलग तरह उन्हां दी निर्देशना करदे हो, उहदे बारे मैं जानना चाहूंगा। जी भाजी, भाजी जदों नाटक दी चोण करनी हुंदी है उदों मेरे सामने दर्शक वर्ग हुंदा, क्योंकि साडियां लिमिटेशन है भी असीं जिस इलाके दे विच रहिंदे आ जां जिथे साडे शो हुंदे पिंडां दे विच ਉਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤੀ, ਕੀਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਹੀਏ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਐਕਟਰ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਕਟਰ ਜੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਣਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਵੀ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਕ ਸੀਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਡੋਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਇਆ, ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਸਲ ਕਰਵਾਈ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਰਨਾਲੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਔਰਤ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ 24-25 ਨਾਟਕ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬਰ ਬਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇਖਿਆ ਨੀਗਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ 2:30-3 ਵਜੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਜੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। 40 ਮਿੰਟ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਹਾਸਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਰੋਣਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਖਵਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ, ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ 35 ਮਿੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੌਲ ਖਵਾਉਣ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਇੰਨੀ ਰੂਹ ਲਾਈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ, ਹੁਸਮ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਐਨ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਨੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਐਕਟਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ
जिन्ना भी फोकस सीगा मेरा मैं टेक्निकल चीजा च उन्हां ए नहीं मैं वरतदा नहीं उन्हां नूं यूज करदा हैगा बट एक्टर ते मेरा ज्यादा जोर हुंदा है। इस तरीके मैं चंद जद रोटी लगदा है जो चंद दी चिकरेश ने गल कीती है तो चंद जद रोटी लगदा है नाटक दे विच चंद उन्हां रोटी वर्गा लगन लग जांदा भुखे बच्चे हैगे बाल मजदूरी ते नाटक है ते ओही बच्चा जिहड़ा पारी ना दा रब्बर बामी सा जदों इस नाटक दे विच भी ओह नाटक कर रहा हुंदा ते अखीर ते सुसाइड कर जांदा चंद नूं फड़न दे भुलेखे भी रोटी है तो उच्ची थां ते चढ़दा डिग के मर जांदा हैगा। तो तुसीं यकीन मन्नियो वी इस तरीके उहने नाटक कीता कि 15-20 प्रोडक्शनां तों बाद उह लुकण लग गया वी मैं नाटक नहीं करना है। मैं उहनूं जदों पुछिआ वी क्यों उह कहिंदा जी मैनूं राती फिर उह डर लगण लग जांदा वी चंद फड़ रहा ते मैं मर गया। सो इस शिद्दत दे नाल इन्हां ने बच्चियां ने उह नाटक नूं हंडाए ते ये मेरा एक्सपीरियंस भी मैं फोकस है जेड़ा वध तों वध एक्टर ते दिंदा है सिगरेट दी चोन ते दिंदा। बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने यही सीखे जिहड़ियां प्रोडक्शन करते हो इन्हां नूं थोड़ा डिस्क्राइब करो है ना कि तुसीं उन्हां नूं किस तरह समझदे हो। मैं यही गल पवेल कोलों जानना चाहुंदा कि पवेल तुसीं आदे अधूरे पहले हुणे दस्सिया थोड़ा जिहा कि मैं पहले वो यूथ फैसटिवल ही कीता फिर मैनूं पंजाबी विच कीता पी मैनूं लगा पी ये कोई बहुत औखा नहीं है पर मैनूं सौखा करके कर लिया पर मैं उहदे बारे जानना चाहुंदा कि आदे अधूरे जिहड़ा तुसीं पेश कर रहे सी ये तुसीं जदों की सोच के पेश कर रहे सी उहदे पेश करन पिछे की थ्योरी सीगी पी आदे अधूरे मैं क्यों करां आदे अधूरे पी उहदे विच की कहना चाहुंदे हो तुसीं। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਕਰੇਸ਼ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੀਰਤੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟਰ ਗਰੋਇੰਗ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਿੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ 5 ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਵਿੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਵਿੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਜਲ ਸੀਗੀ, ਕਾਜਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 15-20 ਦਿਨ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਚ ਨਵੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਟਕ ਹੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਦੂਰੇ ਸੁਨੀਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦੂਰੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਸੈੱਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਫਾ ਸੀ ਚੇਅਰ ਸੀ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰਟਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਟਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੇਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਔਨ ਸਟੇਜ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਧੇ ਦੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਥੋ ਸਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਪਾਣਾ ਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖੈਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਦਾਅ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਲਾਅ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦੂਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੁਝ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਵਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਆਡੀਅੰਸ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਾਪੀ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੇਂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੁਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ NSD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ 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 ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਕਟਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਦੇ ਅਧੂਰੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹੁਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਪਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਰਤੀ ਦੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਟੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਆਦੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਾਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਕਰੇਸ਼ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਚਕਰੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਲੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚਕਰੇਸ਼ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਗਰ ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇ, ਪਰ ਚਕਰੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਕਰੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? ਆਦੇ ਅਧੂਰੇ ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਪਵੇਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਪਲੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਕੀਰਤੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੋੜਾ ਲਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਰੱਬਰ ਬੰਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਲਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੰਗ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ? ਔਰਤ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮਰਦੇ ਆ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤੀ, ਦੇਖਿਓ
कैमरा सारा कुछ बंद हो गया कीर्ति का। हाँ कीर्ति का कैमरा जरा बंद हो गया। आप होर गल सुन दे पवेल तू कुछ कहन लगा सी। मैं कह रहा जो मैं नाटक पढ़ रहा थी ना तो मैं लगा थी कि ये भी एक बड़ी वड्डी समस्या है क्योंकि रंगमंच का काम तो समस्या नु लोगों सामने लेके आना ना जे असीं करप्शन उपर गल करते हैं ड्रग्स उपर गल करते हैं तो भ्रूणता उपर गल करते हैं तो जो मैं नाटक पढ़िया तो मैं लगा ये भी एक बड़ी वड्डी हिडन समस्या है एक मिडल फैमिली की मिडल परिवार जरा है हालांकि 50 साल पहला लिखा गया पर मैं लगा कि रेलिवेंट हैगा वा साडे आले दुआले कई इदा के परिवार है जो इदा की जिंदगी जी रहे हैं भावे असं मनीए चाहे ना मनीए। एक मिडल क्लास औरत नूं जदों उहदा हसबेंड घर च बेकार बैठा वा तो उन्हों वर्किंग वूमन जो बनना पैंदा उन्हें किदां दी समस्या आउंदियां ने किहड़ियां गल्लां सुणनियां पैंदियां ने। एक मैं लगा कि आम हर वर्ग के लोगों का जो दर्शक 200 दर्शक बैठा तो लगू कितना ना कितना एक अपनी कहानी हैगी तो मैंने एक समस्या लगी एक क्योंकि रिश्तिया की जी टुट पट थी दिखाई गई अगर अभी फैमिली को टाइम नहीं देंगे बच्चों का व्यवहार की अपने माँ बाप प्रति किता दूर बोलते हैं बच्चे बिगड़ते हैं एक कमसिन उम्र की लड़की जी जाके अपनी सहेलियां बहुत कि गल्ला ग्रहण करती आंढ़ गुआंढ़ तो क्योंकि मैंने लगा कि भी एक समस्या है कि उन्होंने लोगों सामने लिया जाए क्योंकि मैं एक समस्या आधार बना के नाटक पेश करने की कोशिश की ठीक है मेरी नजर समस्या है। चलो हाँ कीर्ति थोड़ी गल खत्म नहीं सी हुई नहीं माइक माइक ऑफ है हेलो हाँ हाँ ठीक है जी उस जंग दे एंटी जिहड़ा इह नाटक सीगा उस नूं इदे मतलब कि एटमोसफियर उहो जिहा सी करिए क्योंकि जंग दा मैदान मतलब मेरी इच्छा सी कि भी ऐ लगे भी पुराने जमाने दा जंग है जिहड़ा उस समय ट्रेंचां दे विच होया जिहड़ा ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਟਕ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਚਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। जैसे फर्स्ट टीचर जो नाटक है हमारा उसके अभी तकरीबन 65 से 65 ज्यादा उसके शोज हो चुके हैं जिसमें कि स्टेज परफॉर्मेंस के अलावा पंजाब के गांव उत्तर प्रदेश के गांव में उड़ीसा गांव में हरियाणा के गांव में तो तकरीबन 6 अलग अलग भाषाओं में इस नाटक को कलाकारों ने उस स्पेस पे जाके एक्सप्लोर किया। तो इस नाटक मैंने उठाया था चिंगीज आयतों तो ये उपन्यास बहुत छोटा सा उपन्यास है लेकिन मुझे लगता है कि जीवन के सबसे काल के उपन्यास एक ये है जिसको मैंने शुरुआत में पढ़ा और एकदम इन्फ्लुएंस हो इससे। इस नाटक में मुझे लगा कि ये नाटक अगर मैं रशियन बैकग्राउंड में ही करूं तो मुझे बहुत इसके लिए मेहनत करनी होगी और मुझे रशियन कल्चर और ट्रेडिशन को पढ़ना होगा समझना होगा। फिर मुझे मैंने जब उस नाटक को पढ़ने बाद रशियन बैकग्राउंड को पढ़ना शुरू किया तो
मेरी वाइफ के साथ मैंने डिस्कशन किया, मंजू जो कि इसने को जिसने ब्रिज में लिखा है, तो मंजू से मैं आज जब शेयर की भी इस नाटक, उसने भी नॉवेल था, उसको भी अच्छा लगा, और फिर हमारे बीच डिस्कशन चला टीम के साथ मिलकर कि बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां लड़कियों के इसी तरीके का व्यवहार, या फिर जो एक आदमी रेगुलर सेटअप में जो रूढ़िवाद जो चल रही है समाज में उसके खिलाफ अगर खड़ा होता है या बोलता है तो लोग उसके साथ तरीके का बर्ताव करते हैं, या फिर जो लड़की है वो अपने यानी कि ब्रदर को इक्वालिटी का कुछ बात करती है या फिर कुछ भी उसके इक्वालिटी बात करते हैं कंपैरेटिव मेल और फीमेल उसमें, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट रहे है, यानी कि उसको डोमिनेट किया जाता है, सप्रेशन रहता है, और ये यूपी में बहुत ज्यादा है। तो यूपी में यानी कि वहां पे अगर किसी के साथ गलत भी होता है, रिश्तेदार अगर कुछ गलत कर देते हैं तो वह किसी को कहती नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकती है, और वो लगातार उस शोषण का हिस्सा भी रहती है। यहाँ तक बहुत ऐसे रेश होते हैं जो कि इस तरह से लगातार चलता है, और ये हम क्योंकि देखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नाटक ये जो उपन्यास था ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठता गया। फिर हमने इसे नॉवल को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया और हमने ये किया कि अगर हम इस प्रोवाइज करें डिस्कशन इम्प्रोवाइज करके देखते हैं कि क्या ये यानी यूपी के बैकग्राउंड में किया जाता है क्या, तो यूपी के बैकग्राउंड में करने से पहले हमने इसे हिंदी में इम्प्रोवाइज किया डिस्कशंस वगैरह सब चीजों के साथ। फिर जब पॉसिबिलिटी लगी कि हाँ इसको कर सकते हैं, इसको इंडियनाइज जा सकता है, देन वी वर रियली वेरी हैप्पी कि हम बहुत खुश थे कि अरे एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो तकरीबन 11 सीन्स में इसको डिवाइड किया गया, और उसके बाद फिर जब फिर इसे मंजू ने लिखा, इसको लिखने के बाद एक्टर्स के साथ डिस्कस हुआ, डिस्कशन के बाद हमने इसको इम्प्रोवाइज शुरू किया। अब इमेशंस में दिक्कत ये आती कि जो लैंग्वेज थी वो ब्रज थी, एक्टर जो थे वो पंजाब के थे, हरियाणा थे, हिमाचल के, लेकिन यूपी का सिर्फ की एक्ट्रेस थी बस, और वो मंजू थी वाइफ मेरी। तो अब यही दिक्कत थी कि कैसे ब्रज के साथ हम जोड़ा जाए। तो अब आर्टिस्ट के साथ उत्तर प्रदेश पूरी स्टडी की गई, उत्तर प्रदेश का पूरा कैसे राजनीतिक जो माहौल है, सामाजिक जो माहौल है, या आर्ट जो माहौल है वहां का, वहां की जीविका कैसे होती है, वहां की फसलें क्या होती है, वहां का रहन सहन, उठना बैठना बोल, सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, पढ़ा बकायदा। माइक ऑफ हो गया तुम्हारे चक्रेश? हाँ जब आप लोग फोन पे करते हैं तो इसको पहले उसमें एयर मोड पे लगा लिया करो, एयरप्लेन अच्छा, वाला मोड होता है ना उस पे लगाओ, फिर फोन आए भी तो रुकता नहीं है। अच्छा ओके सर ओके, आइंदा ध्यान रखना। चलो आगे बोलो। सर तकरीबन 3 महीने ये डिस्कशन वगैरह चलता रहा, इम्प्रोवाइजेशन चलती रही, और जब हमने इसको शोकेस किया इस प्ले को तो लोगों को काफी अच्छा लगा, हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस ये हिट की। अब हमारे लिए ये था कि क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से थे जो कि यूपी में व्यक्तिगत तौर पे मैं उन किस्सों के बीच में रहा हूँ, घटा हूँ, मैं उनके बीच में से गुजरा हूँ, तो मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी जिनके साथ इस तरीके का बर्ताव हुआ या इस तरीके की चीजें घटी हैं। तो ऐसी एक घटना मंजू के गाँव के पास में दौलतपुर गाँव है, वहां पे कुछ हुआ था एक लड़की के साथ, तो उसको बेस बनाकर, उसका नाम संगीता था, और उसी को बेस बनाकर हम लोगों ने इसको फिर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फिर इसका कर दिया। फर्स्ट शो के बाद फिर हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए थे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमारी कोशिश ये थी कि हम जिस भी स्पेस पे जाते थे, जैसे ये नाट्य ओपन एयर में भी हुआ है, गांव के पंडाल में भी हुआ है, सरपंच के घर पे भी हुआ है, तो अलग अलग इसकी लोकेशन रही है, तो मेन जो मोटिव हम लोग स्पेस अडेप्टेशन, और उस स्पेस के साथ कैसे हम उस विषय को लोगों तक इतनी सूक्ष्मता के साथ पहुंचे कि उन्हें लगे कि ये तो हमारे घर की बात चल रही है, ये किरदार कोई अलग नहीं है, ये हमारे हिस्सा है, ये बीच में घट रहा है सब कुछ।
तो इस तरीके का हमारा प्रोसेस रहा और हम लोगों ने रिटन फॉर्म में तो कोई स्क्रिप्ट नहीं इजाद कर पाए कि हाँ हम इस चीज में बड़े खुश हैं कि हरियाणवी में पंजाबी जो चक्रेश मैं एक्चुअली ये बिल्कुल सही जो तुम बता रहे हो मुझे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो जो यंग डायरेक्टर हैं इनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है क्रिएटिव प्रोसेस विद जो आप लोग बिल्कुल इंटेलिजेंट लोग हैं आप पढ़े लिखे लोग हैं है ना वो उनकी जो इंटेलिजेंट नॉलेज है वो सारी जो चीज है वो उसकी प्रोडक्शन में नजर आनी चाहिए उसका क्रिएटिव जो है क्रिएटिवनेस जो है और थिएट्रिकल एलिमेंट्स जो है ना जैसे आपकी प्रोडक्शन में नजर आते हैं बहुत जगह पे नजर आते हैं तो वो इमीडिएटली वो पूरा एक थिएटर नजर आता है तो मैं उस प्रोसेस के बारे में क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है कुछ लोग और भी पूछना चाह रहे हैं कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा उस क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में एक एक दो दो मिनट बस थोड़ा सा कोई यहाँ पवेल तू की कहना चाहूंगा माइक तेरा नहीं चल रहा कीते तुसी उन्नी देर गल करो नहीं सर मैनू ना एक्चुअली तुहाडा क्वेश्चन नहीं समझ आ रही एक्चुअली जेड़ा मैं चाहूंगा कि जेड़ा तुहाडा क्रिएटिव प्रोसेस है फॉर डायरेक्शन के तुसी जदों प्ले डायरेक्ट करदे हो क्रिएटिव प्रोसेस की अपनाउंदे हो तुसी जेड़ा के थिएट्रिकल है जेड़ा लोकां दे मन दे विच थिएटर लई प्यार पैदा करदा तुहाडी डायरेक्शन लई प्यार पैदा करदा है कि हां भाई ए कम है सिगरिप्ट आ गई मेरी दिमाग दे विच उदो बाद मेरा सारा एटमोसफियर आ गया ठीक है मेनू दर्शक तक पहुंचण दे लई जो मैं दर्शक नूं कहना चाहना ते दर्शक मेनू क्यों प्यार करूगा जे मैं उन्हां दी गल करूंगा जिहो जे लोक मतलब जिवें चक्रेश ने गल कीती भी जदों ओह उन्हां लोकां दे विच जांदा तां उन्हां नूं ऐ लगदा साडी कहानी है उसे तरीके मैं जदों नाटक करदा हैगा तां मैनूं ऐ लगदा भी जो जिथे जावां जिहड़े दर्शक दे विच जावां उह दर्शक नूं इह लगे कि साडी कहानी हो रही हैगी है उह मैं किहड़े एलीमेंट नाल करां मतलब कि सिगरिप्ट दे नाल करां एज ए जिहड़े कलाकार है उन्हां दे बिहाव ते करां कोई लाइटिंग दे नाल करां सैट डिजाइन दे नाल करां इह सारे एलीमेंट मैं इकट्ठे करके अपनी जिहड़ी दर्शकां तक पहुंच है जो मैं कहना चाहना उस नूं इजी वे नाल कह सकां ये सारे एलीमेंट मैं यूज करता है चाहे वह स्क्रिप्ट है चाहे लाइटिंग है चाहे सेट है चाहे कॉस्ट्यूम है चाहे कलाकार है ठीक आप पवेल तुसी कुछ कहना चाहते इहदे बारे नहीं नहीं तेरा माइक ठीक नहीं तू चक्रेश हां जी सर ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस में मुझे लगा हर स्क्रिप्ट अपने आप में एक नए डायमेंशंस देती है एक नया प्रोसेस की है एज एन क्रिएटिव मैं कैसे अपने सब्जेक्ट को डी कर रहा हूँ या फिर उसको ऐसे लोगों पास लेके जब किस रूप लेके जाऊंगा वो रूप तय करना सबसे पहला काम है क्योंकि मैं अगर उसका रूप तय नहीं करूंगा तो मेरे ख्याल से मैं अपने आर्टिस्टों को भी शायद से क्लैरिटी के तौर पे बता नहीं पाऊंगा कि ओके ये आउटकम चाहिए मुझे सो एज एन क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि सबसे पहला है कि जो भी मेरे पास आइडिया है मैं उस आइडिया को किस रूप में लेके जाना चाहता हूँ क्या मैं उसे ओपन फॉर्म करना चाहता हूँ मैं क्लोज में करना चाहता हूँ अगर क्लोज फॉर्म में करना चाहता हूँ तो मैं यानी कि मैं नौटंकी शैली में करना चाहता हूँ या पंडमरासी या फिर किस शैली में करना चाहता हूँ वो शैली मुझे तय करनी होगी वो मुझे चाहे वो मिक्सचर ही क्यों ना हो मुझे लगता है कि वो जब तक आपके आइडिया और कॉन्सेप्ट या स्टोरी या कोई भी जो प्ले है उसको अगर हम ये स्ट्रक्चर फाइनल कर लेते हैं वो डायरेक्टर को भी हेल्प करता है वो एक्टर को भी हेल्प करता है वो बाकी डिजाइनर स्टेज प्रोडक्शन के तमाम सब चीजों को हेल्प आउट करता है सो दैट कि जो क्वालिटी है उसको और एनहांस किया सके बेहतर किया जा सके तो सबसे पहला काम है एज एन क्रिएटिव पर्सन हो
how to deliver the idea, how to deliver the subject in front of audience, that design has to be fixed. वो तय होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा मैं क्योंकि साड़ी नाल बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए ने, प्रीतमिंदर सेखों, सरीन साहब, नवनिंद्रा बहल मैडम, और भी कुछ ने इधर, दवेसर साहब भी, गुरतेज भी, ऐ सारे जुड़े हुए ने. सो मैं चाहूंगा अगर किसी ने कोई कोई क्वेश्चन या कोई इन्हों को इन्हों के काम बारे कोई कमेंट कुछ गल करनी हो किसी ने दोस्तों ने तो वह गल कर सकते हैं. हेलो सरीन साहब, तुहाडी आवाज नहीं आ रही, तुहाडी आवाज नहीं आ रही सरीन साहब, बैठे हो रोज ठीक होंदा है नेट नहीं सरीन साहब, आवाज तुहाडी कट रही है. हेलो बस एहो ही आवाज आ रही है, नहीं आ रही और कोई नहीं आई. हेलो तुसी कुछ कहना चाहते हो सेखों साहब? हाँ जी कीर्ति साहब ने एक गल की थी सी. हेलो हाँ जी हाँ जी 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 उन्होंने कहा कि असि छड़ना चाहते पर छड़ नहीं सकते थिएटर. इन्होंने शुरुआत से गल की सी ए पिछे मतलब एदा की इन्हों का भाव की सी, अर्थ की सी दा इस गल. सेखों साहब मैं छड़ना चाह मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि इस तरीके का जनून दिमाग से चढ़िया भी असं जो छड़ना भी चाहते हाँ तो छड़ नहीं होंगे गा मतलब कि ये कोई मतलब ये नहीं कि असं छड़ना चाहते हाँ. मेरे कहने का मतलब कि असं छड़ नहीं सकते कि इस तरीके सानू ये दिमाग से सिर चढ़ के बोलता है ना चाहते. जे असं मन लो भी असं छड़ना चाहिए तो भी छड़िया नहीं जा सकता. कहने का मेरा मतलब ये है जी मैं प्यार ऐसे बिना रह नहीं सकते कि साड़ी इबादत मोहब्बत है, इबादत है मोहब्बत. हाँ जी 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 कोई और दोस्त जी शुक्रिया. सरीन साहब तुहाडा देखियो ठीक होया माइक कैमरा बंद हो गया तुहाडा तुसी होर बैठे हुए ने मैडम की तुहाडा नाम काजल है सीमा सीमा हां तुसी कुछ कहना है तु... सर मैं अपने काम से दो साल हो फिर मैं अपने आप को जुड़े हुए महसूस कर रही है और कि मैं जुड़ सकते हैं थिएटर के साथ वो के बारे में तो सब कोई और दोस्त कुछ कहना चाहता है? गुरतेज कुछ कहना चाहता? हाँ हाँ जी मैं चक्रेश पाजी तुहाडे नाल मैं तुहाडे कोल पुछना चाहता मैं तुहाडियां सारियां प्रोडक्शन वेखियां जिन्नियां तुसीं अमृतसर च कीतियां, नाटशाला कीती होवे, विरसा घर कीती होवे. मैं तुम्हें पूछना सर तुम्हारी टीम है ये सारी प्रोफेशनल है या फिर कॉलेज के बच्चे ने या किदा भी टीम काफी वड्डी होंदी है किदा मैनेज करते हो मतलब स्टूडेंट ने या तुहाडे किदा मैनू दसो थोड़ा जिहा कि पूरा जो ग्रुप है वो एक ट्रेनिंग कोर्सेस की. चक्रेश एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा है कि क्या वो लोग आपके पास ट्रेनिंग लेते हैं वो स्टूडेंट है जो पूरा इतना बड़ा ग्रुप रहता है? सर हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा बच्चों का ग्रुप अलग है, बड़ों का ग्रुप अलग है. बच्चों का जो ग्रुप है वो है 16 इयर्स तक एंड 17 साल से अबव 17 टू 25 साल ये अलग ग्रुप है और 26 साल से लेके 35 साल तक अलग ग्रुप है. उसके बाद
जो 40 इयर्स के ऊपर सारा एक कॉमन ग्रुप है। तो सर मेन जो मोटिव है कि ट्रेनिंग एक मेन मोटिव है, लर्निंग एक मेन मोटिव है, वो मेरे लिए भी है, वो उनके लिए भी है। और पूरे ग्रुप में जो वर्किंग होती है वो इस तरीके से चलती है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम कोई नाटक कर रहे हैं और उसकी अगर कोई फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो आर्टिस्ट ही कोलैब करके उस प्ले को प्रोड्यूस करेंगे। हमारे लिए कोई सेल्फ फंड का मसला है हमारे कि हम सेल्फ सस्टेन, कि हमारी डिपेंडेंसी ना हो। तो अभी इस लॉकडाउन में यानी कि ये एक अच्छी समझ में आई कि नहीं, सेविंग करनी भी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो फिर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते 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 चीजें विभत्स भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सो वर्किंग जो है सर वो इसी तरीके से है कि एक आर्टिस्ट 3 साल यहाँ पे ग्रुप में काम करता है, लर्निंग चलती है और जो भी उसका खर्चा होता है वो खुद बियर करता है, और उसके बाद 3 साल बाद वो ग्रुप में ही एज एन प्रोफेशनल एक्टर करना शुरू कर देता है, जिसके लिए ग्रुप उसे करना शुरू कर। ओके, थैंक यू। ये बिल्कुल बिल्कुल जी श्रीमत साहब ठीक हो जो कि कॉलेज में काम करते हैं। हाँ जी 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 आवाज आ रही है? हूँ आ रही। हाँ ओके ओके। मैं कीर्ति जी दा दे नाटक वेखे भी है, कीर्ति जी दे नाल मुलाकात भी हुई। चक्रेश जी दे दा जिहड़ा सिस्टम है उही गल के एक ट्रेंड थिएटर डायरेक्टर है, लेकिन इन्हें एक वक्री वक्री तरीके दे नाल एक सोच दे नाल लोकां दीआं प्रॉब्लम्स नूं लैके उन्हूं ये नाटक नूं करदा। ते इन्हें सब तो वड्डी गल जो मैनूं इहदे नाटकां च समझ आई कि ये टोटल थिएटर दे विच बिलीव करदा। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਘੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮ ਜਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸਟਿਊਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਚਕਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਖੇ ਆ, ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਹੈ ਚਕਰੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੀਨ ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ। आपने रेगुलर मूवी परफॉर्मेंस देखी है। हम लोग ने प्ले का नाम था भूख का इलाज, और इस नाटक को हम लोगों ने इसको तब हम लोगों ने करना शुरू किया था जब कुछ साल पहले सर ये प्रोटेस्ट हुए थे 2014-15 में, कुछ पंजाब में प्रोटेस्ट हुए थे किसानों के, तो उस दौरान सर हमारे यहाँ से की वजह से मुलाकात हुई और बातचीत करते कि भी किस तरीके क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो फसल को लेकर कुछ दिक्कत थी, फसलों को लेकर वहां सर इग्निशन से शुरुआत वहां हुई। हालांकि फादर साहब जो कि आर्मी में है लेकिन किसानी बैकग्राउंड रहा है, मेरी मर जो कि क्या ना अपना जब वो मैं उनके पेट में था तब वो फसल खुद काटा करती थी क्योंकि फादर साहब आर्मी में थे, मुझे नहीं पता कि कहाँ शुरुआत हुई होगी,
इसकी, लेकिन मैं उस एक इंसिडेंट को मानता हूँ कि जब मैं जा रहा था तो उस मिर्जू मुलाकात वहां से। अब इसे कैसे कंस किया गया, हमने उत्तराखंड में एक शॉप की और उस वक्त में आर्टिस्टों को कैसे ही बता दिया गया कि हम मजदूरों और किसानों को लेकर फोकस में करके हम प्ले बनाएंगे और उसमें मजदूर वर्ग का जो इतिहास रहा है उसकी एक पूरी स्टडी 1800 शताब्दी लेकर अभी का पूरा एक स्टडी किया गया और उसके बाद हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले से लेकर हिंदुस्तान के अभी तक का जो किसानों की जो भूमिका रही, किस तरीके से उनका, जैसे कि पहले आजादी पहले एक गेहूं की बोरी का इतना दाम होता था कि आप शायद से कुछ ग्राम सोना खरीद सकते थे उससे, और अब जो उसकी एक बोरी की कीमत है वो बिल्कुल बदल चुका है, ऐसा इकोनॉमिक्स बदल गई है। तो ये जब हमें पता चला तो बड़े शौक थे, हमने कई सारे जो मंडल बने हुए किसानों के उसके लिए थे वो सारी स्टडी की। तो एक्टर्स के साथ वर्कआउट करते हुए हम लोग ने स्टडी के साथ साथ कुछ रेफरेंसेस के साथ साथ ताब यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरान हैं उनको हम लोगों ने जोड़ा साथ में, क्योंकि हमें कुछ ग्राउंड चाहिए था कि, और हम लोगों ने वहां पे उसको वर्कआउट करना शुरू किया और धीरे धीरे प्ले प्रोसेस में आया। एंड एक महीने के बाद जब हम लोग वापस आए यहाँ पर तो फिर उसे दोबारा शुरू किया गया। अब इस पूरे जो बाहर और अंदर का जो नाटक है सर, उसकी कोशिश ये रही कि जब नाटक खत्म हो तो लोग किसी भी हालत में उस विषय को छोड़े ना, क्योंकि मैंने ऑडिटोरियम के बाहर देखा है क्या होता है, ऑडिटोरियम के बाहर हाय हेलो और बाय शाय में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट रह जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता था, मैं था कि उसे को लेकर जाए बहुत हार्ड तरीके से लेके जाए, क्योंकि शायद से पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हुआ हूँ उस दौर में किसानों के इस विषय को लेकर। मुझे लगता है कि जिन लोगों की वजह से शहर पल रहे हैं, जिन लोगों की वजह दुनिया रही है, वो लोग इतने पीछे क्यों, तो से ये एक रही से मैं अंतिम क्षण तक भी मैं चाह रहा कि लोगों को सेंसिटिव एनसाइज करूं मैं। बिल्कुल, हेलो चक्रेश, तुम्हारा माइक ऑफ हो गया फिर से। हाँ जी सर, हाँ हेलो हेलो, हाँ जी सर, हाँ तुम्हारी बात खत्म हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ एक्चुअली हम लोग जो हमारा ये इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो आपका क्रिएटिव प्रोसेस है, जो क्रिएटिव एक्सपीरियंस है, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है आपका, जो आपका कह लो कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी आवाज कट रही है सर। अब मेरी आवाज भी कटने लगी, चलो आप देखो आप ठीक है। हेलो, खूबसूरत अपनियां क्रिएटिव गल्लां कीतियां। मैं चाहूंगा तुसी हुण लास्ट विच कोई अपने वालों कुछ कहना चाहते हो, तुसी पवेल, कीर्ति या चक्रेश, तुसी कोई गल तुहाडी कहण वाली रह गई होवे तुहाडे डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू तो, के कोई तुहाडा सुपना अपना साझा करना चाहते हो अपनी निर्देशना दे बारे च, ते ओ गल कर सकदे हो। धारीवाल साहब जी, चक्रेश जी ने एक होर बहुत वड्डा एक एक्सपेरिमेंट कीता सी टैगोर थिएटर दे विच। टैगोर थिएटर दे कोरिडोर दे विच 36 घंटे इन्हे एक्ट कीता सीगा विदाउट स्क्रिप्ट। ओदे बारे मैं जानना चाहुंना कि ओ इहदा सुपना किवें सी और किन्ना सक्सेसफुल होया, क्योंकि मैं उन्हें शायद ऑनलाइन उन्हें देखता भी रहा विच विच। हाँ। जब मैं पटियाले सी, वो एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट सी और इन्हें की गेन कीता और क्यों इन्हें सोचा सी। चक्रेश दोबारा कनेक्ट कर रहा, उसकी शायद कनेक्शन उसका टूट गया सी। ओके ओके, इदां दा एक एक्सपीरियंस सरिंद साहब मैं देखा सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दे फेस्टिवल जो हरीश खन्ना ने कीता सीगा, उन्हें अपने आप नूं शीशे दे विच इस तरह बंद करके, ते ओ एक दिन नहीं बल्कि ओ ते लगभग 8 या 10 दिन कंटीन्यूअसली उन्हें इदां दा ओ कम कीता सी, ओ दे विच अदाकारी दा कुछ अपना कुछ बतौर एक्टर कुछ
अपने आप ਨੂੰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਕਰੇਸ਼ ਸਰ हेलो हाँ चक्रेश जी सर सरीन साहब का क्वेश्चन था कि आपने वो जो टैगोर थिएटर में किया था अपने आप को शीशे में बंद करके दो तीन दिन कितने दिन का था वो तो वो कैसा क्या प्रोसेस था और किस तरह का वो आप क्या कहना चाहते थे क्या अपना कोई एक्सपीरियंस ले रहे थे उससे सर उसे तकरीबन चार लोगों ने डिजाइन किया था उस एक परफॉर्मेंस को हुआ ये कि नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर इन्होंने प्लान किया ये लोग सात दिन का फेस्टिवल बनाना चाहते हैं सो क्योंकि कमिटी का मेंबर था तो मैंने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसमें एक परफॉर्मेंस हो जो कि 24 घंटे ले और लगातार सात दिन तक चल सकती है तो उन्होंने ये जिम्मा मुझे ही दी कि आप ही तय करें तो मैंने इस वे को लेकर मैंने कुछ लोगों से बात की मेरा छोटा भाई है नेशनल ड्रामा से पास आउट है और कुछ और दोस्त थे तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि मैं इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ सो मैंने एक डिजाइन की टीम बनाई सात दिन एक्टर क्या क्या काम करेगा वो चीज परफॉर्म करेगा वो क्या सिचुएशंस होंगी वो क्या कैरेक्टर होंगे सो तकरीबन सात कैरेक्टर हम लोगों ने फाइनल किए और उन सात कैरेक्टर्स अलग अलग हर तीन घंटे का सिचुएशन बदल जाती थी और टैगोर थिएटर क्योंकि हमें वो स्पेस प्रॉब्लम हुआ तो हम लोगों ने दो स्पेस चेंज किया एक स्पेस यहाँ पर खुड्डा लाहौरा में एक खेतों के बीच में एक पूरी एक स्पेस क्रिएट की गई जहाँ पर परफॉर्मेंस मॉर्निंग में शुरू थी रात को शुरू हुई थी तो रात को तकरीबन 12 बजे परफॉर्मेंस शुरू हुई और कैरेक्टर मिलता था तकरीबन रात को 1 बजे और इसके बाद 1 बजे आपकी यानी कि 2 बजे आपको टाइम मिलता था कि आप कैरेक्टर को लेके कंसीडर जो भी आपको सिचुएशन के लिए वेट करते थे उसके बाद 1 घंटे के बाद जब आपको सिचुएशन थी फिर परफॉर्मेंस शुरू हो जाती थी वन पीपल वर अलाउड टू दैट उन 24 घंटों में और इस तरीके से ऊपर स्पेस से कैरेक्टर दूसरी स्पेस में जो टैगोर सेंटर वहां से वापस किस तरीके से आएगा ये कैरेक्टर था सर और हाँ जी सर जी जी अच्छा जी सरीन साहब कुछ और ओके हाँ नहीं कीर्ति जी ने बहुत बड़ा एक फेस्टिवल रचाउण लगे बठिंडे एरिया दे विच क्योंकि बठिंडा बठिंडे बारे जानते सीगे भी चलो एक दिन दा प्ले कोई फेस्टिवल किसी ने किया दो दिन लेकिन जिहड़ी कीर्ति ने जिहड़ा फेस्टिवल किया वह 3 दिन तो शुरू करके हुण 10 दिन का भी चलता है और नैशनल लैवल थिएटर फेस्टिवल किया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਨਾਜ਼ਰਾ ਬੱਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 300 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਰ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं जिसको राजधानी मानती थी पटियाला को वहां मुझे क्या मिला और यहाँ पर मुझे कीर्ति कृपाल ने क्या दिया ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था मेरी लाइफ में कि वहां कीर्ति कृपाल और इसकी टीम कैसे मेहनत करती है और कैसे वो ऑर्गेनाइज करती है इतने इतने बड़े फेस्टिवल बठिंडा में
जी जी सर शुक्रिया। ये फेस्टिवल असी तुहानू पता ही है कि 2010 दे विच असी शुरू कीता सीगा ते पहला फेस्टिवल असी 12 दिन का कीता सीगा। उस तो बाद लगातार एक दो साल असी 10 दिन का कीता, हुण इह 15 दिन का करदे हां। ते जदों नादर बब्बर जी आए सीगे ते तुहाडी गल सही है, उन्हां नूं इदां लगदा सीगा, मेरी आवाज़ आ रही है जी? आ रही आ रही आ रही। हां ते नादरा जी नूं लगदा सीगा कि बठिंडा बड़ा पिछड़िया जिहा शहर है, उन्होंने इदा लगता सी भी मैं पता नहीं भी लोग किहो जे होणगे, किहो जे मेरे दर्शक होणगे, क्योंकि जो रात साढ़े दो बजे पहुंचे से एक रात पहला तो उदो उन्होंने एक्सपीरियंस माड़ा ही रहा सीगा, क्योंकि सारे सौ गए तो उन्होंने रिसीव करने वास्ते एक अद्धा बंदा ही असीं छड्डिया सी, क्योंकि होटल वगैरह बुक कराते सानू लग्या साडी ड्यूटी खत्म हो गई, परंतु बहुत वड्डी हस्ती सीगे ते थोड़ा जिहा नाराज हो गए साडे नाल भी उह आप क्यों नहीं है जां होर कोई चेयरमैन वगैरह कोई उन्होंने रिसीव कर नहीं आएगा, इस करके थोड़े जे खफा सीगे साडे नाल। अगले दिन प्रेस वाले मिलन आए तो उन्हां नूं भी उह मिले नहीं सीगे। ते जदों ओपन एयर थिएटर दे विच दिने देखण आए लोकेशन गर्मी सीगी, उह काफ़ी थोड़े गर्म हो गए भी मैं किहो जिहे माहौल दे विच नाटक करूँगी। ते जदों नाटक शुरू होया ते दर्शक ईवन दैन दीवारां दे जां स्टेज दे मूहरे भी बैठे जो स्टेज दे उपर चढ़ के, तो पहला तो औखे जो गए भी ये की ढंग हैगा नाटक देखण दा, पर जिवें ही नाटक चलिया तो लोगों ने जिवें रिस्पोंस उन्होंने दिता, ये है बॉम्बे मेरी जान नाटक सीगा। ते डेढ़ घंटे बाद इंटरवल भी सीगा, इंटरवल से एक बंदा भी नहीं उठा गा, असी खुद हैरान से भी इंटरवल से सारे चले जाएंगे, पर उदों बैठे रहे इंटरवल से बैठे रहे। तो जो दो ढाई घंटे का नाटक तो बाद उन्होंने मतलब कि गैदरिंग ने एहसास कराया कि यहोजे नाटक असं देखते हैं, असं मजोर ऑडियंस हाँ, तो इन्ने खुश होए, इन्ने मतलब कि उन्होंने सारे गिले जिहड़े सीगे वो खत्म हो गए। फेस्टिवल शुरू किया काफी असि सफल हो रहे हैं, साडी ऑडियंस दिनों दिन वध ही जा रही है। बिल्कुल, और क्रेज भी है लोगों एक्चुअली ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਨਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯੰਗ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਬਕਾਇਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯੂਥ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਵੇਲ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈ। अपनी तरफ से सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस कोविड के वक्त बहुत ही संस्थाएं अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना यानी कि मैं पूरे इस प्रोग्राम भर में देखता हूँ कि अलग जो लोग हैं पंजाब के, इट वाज ब्यूटीफुल सर, बहुत ज्यादा खूबसूरत था जो आपने डिजाइन किया, एंड मैं चाहूँ कि आप इस तरीके आगे भी अकेडमी लीड करें और दिशा दे रहे हैं, एंड थैंक वेरी मच सर फॉर राइटिंग मी इन दिस कन्वर्सेशन इन दिस सेशन, आई एम रियली वेरी हैप्पी, थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि ऐसे कुछ जो काम हो रहा है उसके बारे में हम बात करें, बात करना भी बहुत जरूरी होता है, काम करना भी बहुत जरूरी होता है, हम अपने काम के बारे में दूसरों के काम के बारे में बात करें, उसको समझें, उसके प्रोसेस को, उसके एक्सप्रेशन को, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी जर्नी को, उसके संघर्ष को, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। सो बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप कल फिर मिलेंगे, कल का दिन साडा असी कल शामी 5 बजे एक्चुअली मिलना है, ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ 30th ਸਾਲ ਹੈ, 30th ਈਅਰ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 30ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਸੋ ਉਸ 30ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ 5 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ